हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के धमाकेदार वीडियो के अंदर। दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा अमेजिंग आप सबके लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास अभी के टाइम के अंदर 5G फोन है, लेकिन उनके फोन के अंदर 5G नेटवर्क नहीं आ रहा है। ठीक है, आपकी सिम भी 5G है, लेकिन आपके फोन के अंदर नेटवर्क है वो अभी भी 4G ही दिखा रहा है। ठीक है, आप 5G के अंदर, जैसे आप ड्रीम सिटी के अंदर रहते हो, मुंबई, दिल्ली हो गया, हैदराबाद हो गया, ठीक है, चेन्नई हो गया, और ऐसी बड़ी बड़ी जो सिटीज है, ठीक है, उसके अंदर ऑलमोस्ट 5G नेटवर्क है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अपडेट हो चुका है। अगर आपने भी अभी तक 5G नेटवर्क यूज करना स्टार्ट नहीं किया है तो सबसे पहले अपने फोन को अपडेट कर लीजिए। ठीक है, जब आप अपने फोन को अपडेट कर लेते हो, फिर भी उसके बाद आपके नेटवर्क, जब आप डाटा ऑन करते हो अपने मोबाइल का, देन वहां पे भी आपको अगर 5G नेटवर्क नहीं आ रहा है तो आप कैसे, कौन सी सेटिंग्स आपको करनी है, वो चीज आज की वीडियोस के अंदर मैं बताने वाला हूँ। ये ओनली सिर्फ जियो वाले के लिए है, तो आप इसी वीडियोस के अंदर आपको हर एक चीज वो पता चल जाएगी कि कैसे आपको क्या सेटिंग करनी है, और देन कैसे आपका नेटवर्क है वो 5G आप पकड़ेगा, और देन कैसे उसकी स्पीड है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, ऑलमोस्ट जब से भी आपने मोबाइल्स को लिया होगा, अगर आपने 2023 के अंदर मोबाइल्स को लिया है, ठीक है, तो आपका मोबाइल ऑलमोस्ट 5G के अंदर कंप्लीट होता है, कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो 5G के अंदर वो ऑलरेडी अपडेट हो चुका है आपका फोन, और देन आपने जो भी सिम आप यूज करते हो उसका नेटवर्क ऑलमोस्ट 5G के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, बस आपको ये चीज करनी है कि आपको एक सेटिंग करनी है जिससे आपका जो 4G का नेटवर्क है वो 5G के अंदर ऑटोमेटिक कन्वर्ट है वो हो जाएगा। वो कैसे होगा आज की इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको स्किप नहीं करना है वीडियो, ताकि आपको 5G के नेटवर्क के बारे में कैसे आपको सेटिंग करनी है हर एक चीज पता चल सके। ठीक है, तो आपने क्या करना है दोस्तों, आपने सबसे पहले अपने फोन को अपडेट कर लेना है। ठीक है, जब आपने फोन को अपने अपडेट कर लिया तो आपने क्या करना है, जियो ऐप को डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अगर जाओगे आप प्ले स्टोर के अंदर, ठीक है, तो प्ले स्टोर के अंदर जाने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, जियो लिखना है। ठीक है, तो जैसे आप जियो लिख के सर्च करोगे तो देन आपके पास सामने एक क्या है कि एक वो खुल के आएगा, ऐप खुल के आएगा। उस ऐप को आपने क्या करना है, सिंपल सा डाउनलोड कर लेना है। अगर आपने डाउनलोड किया होगा तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किया रहेगा तो आप वहां पे उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको क्या है कि अभी मेरा यहाँ पे इंटरनेट नहीं है, चल रहा है सिम के ऊपर, तो देन मैं यहाँ पे वाईफाई है वो कनेक्ट कर लेता हूँ फटाफट। ठीक है, तो यहाँ पे ये देख रहे हो आप, सबसे पहला जो आपको ऐप है वो दिख रहा है, ओके, इसको आपने सिंपल से यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। जब आप इसको डाउनलोड कर लेते हो फिर आपने यहाँ पे क्या करना है, इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, ओपन करने के बाद आपको इस तरह सा इसका डैशबोर्ड है वो दिखेगा। ओके, जब इस तरह का डैशबोर्ड आपको दिखेगा कि आपका पैकेज क्या है, आपने कौन सा रिचार्ज कर रखा है, ठीक है, हर एक चीज यहाँ पे आपको दिखाई देती है। यहाँ पे ऊपर ही आपको यहाँ पे मोबाइल का ऑप्शन दिख रहा है 5G। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 5G मोबाइल। ओके, तो आपने इसके ऊपर ओके करना है, सिंपल सा। जैसे आप इसके ऊपर ओके करते हो तो आपका मोबाइल फोन आ जाएगा, आपका डाटा पैकेज आ जाएगा, कितने का आप रिचार्ज किया है, हर एक चीज। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाता है, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू कैन अपग्रेड ऑफर, ठीक है, वेलकम अनलॉक टू 5G नाउ। ओके, आपका जो सिम है वो ऑलमोस्ट 5G के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, बस आपको अपडेट करना है। अगर आपने अपने मोबाइल फोन को अपडेट कर लिया है, ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपने अपने मोबाइल फोन को अगर अपडेट कर लिया है तो इसके ऊपर ओके करना, फिर नहीं तो पहले आपने अपने मोबाइल फोन को पहले अपडेट करने के बाद इस ऐप को ओपन करना है। ओके, तो देन गेट स्टार्टस के ऊपर हम ओके करेंगे, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा प्रोसेस है वो लेगा। जियो ऑफर आ रहा है, हैंड कैप्चर आ रहा है, यहाँ पे आपको देखिए ये पूछ भी रहा है क्या आपने अपने लेटेस्ट सॉफ्टवेयर वर्जन को अपडेट किया है कि नहीं किया है। ओके, तो ये चीज आपको दोबारा से ये पूछ रहा है, जिससे मैंने आपको पहले वीडियो के अंदर पहले ही बता दिया कि आपको अपने मोबाइल फोन के अपडेट कर लेना है। ओके, जैसे आप अपडेट कर ले तो फिर उसके बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, अगर आपने अपडेट नहीं किया है तो आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो, वरना यहाँ पे आई हैव अपडेट, ठीक है, आपने इसके ऊपर ओके करना है। जैसे आप इसके ऊपर ओके करोगे तो देन देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि आपने अपने मोबाइल फोन का जो डाटा है वो बंद कर रखा है, और देन वाईफाई के ऊपर आप चला रहे हो। ठीक है, तो वो बात सही है, मैं यहाँ पे अपना डाटा है वो बंद कर लेता हूँ और यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क के ऊपर हम आ जाते हैं। ठीक है, गो टू सेटिंग, अभी ये मुझे सेटिंग के अंदर भेज रहा है। ठीक है, अभी सेटिंग के अंदर क्या क्या चीजें आपको करनी है वो चीज ध्यान में रखिए।
ठीक है। अभी वीडियो स्किप मत करना क्योंकि अभी मोस्ट इंपोर्टेंट सेटिंग आप सबको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। सेटिंग के अंदर आ गए, सेटिंग के अंदर आने के बाद सबसे ऊपर आप देख सकते हो मेरा ये अभी 4G के अंदर चल रहा है, ठीक है। ऊपर देख सकते हो 4G के अंदर चल रहा है, ओके। तो अभी सेटिंग के अंदर क्या चीज आपको करनी है ये ध्यान में रखिएगा, जहां पे मोबाइल नेटवर्क लिखा हुआ है इसके ऊपर आपने ओके करना है, ठीक है। मोबाइल नेटवर्क के ऊपर ओके करने के बाद जो भी सिम है आपकी जियो की उसके ऊपर आपने क्या करना है, सिंपल सा ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, यहाँ पे आपको लिखिए प्रेफरेंस नेटवर्क टाइप, इसके ऊपर ओके करना है, ठीक है। जैसे आप इसके ऊपर ओके करोगे तो यहाँ पे देखिए 4G 2G 3G लिखा हुआ है, आपने क्या करना है इसको 5G यहाँ पे लिखा होगा जहां मेरा ऐसे आ रहा है 5G 4G 3G, देन आपका 5G प्रेफरेंस लिखा होगा, जब कुछ भी आपका लिखा रहेगा 5G आपका लिखा रहना होना चाहिए, तो देन आपने क्या करना है सिंपल सा उसके ऊपर ओके कर देना है। जैसे आप 5G के ऊपर ओके करोगे तो देखिए यहाँ पे मेरी एक सेटिंग करने के साथ ही यहाँ पे मेरा सबसे ऊपर 5G नेटवर्क है वो सिलेक्ट हो चुका है, और देन 5G के अंदर मेरा डाटा है वो होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। देन इसी तरह से आपको क्या करना है, हर एक चीज आप यहाँ पे कर सकते हो कि हर अपना डाटा भी चेक कर सकते हो कि कितनी आपकी इंटरनेट की स्पीड कितनी आ रही है, हर एक चीज यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरा जो डाटा है इंटरनेट है वो अभी के टाइम के अंदर यहाँ से ऊपर आप देख सकते हो कि वो 5G के अंदर चल रहा है, ठीक है। तो पहले 4G था, अभी वो 5G के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो ये सिंपल सी सेटिंग आपको करनी है, देन सिंपल सी सेटिंग करने के बाद आपका जो नेटवर्क है वो 5G के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आपने 2023 के अंदर फोन लिया था, ठीक है, वो फोन ऑलमोस्ट पहले से ही अपडेटेड हो चुके हैं, अगर आपने सिम भी 2023 के अंदर ली है तो वो भी 5G के अंदर ही कन्वर्ट आपको मिलेगी, ठीक है। आपको सिंपल सा जाना है जियो ऐप के अंदर, दोबारा से रिवीजन करा रहा हूँ, जियो ऐप को डाउनलोड करना है, जियो ऐप के अंदर जाके मोबाइल लिखा होगा 5G वहां पे, उसके ऊपर ओके करने के बाद अपने फोन को सबसे पहले अपडेट कर लेना है, फिर उसके बाद आपने कॉन्ग्रेचुलेशन वाले ऐप के अंदर जाने के, वहां पे ऑप्शन वाले के ऊपर जाके वहां पे ओके करने के बाद आपने सेटिंग के अंदर जाना है, सेटिंग के अंदर जाने के बाद मोबाइल सेट मोबाइल नेटवर्क के ऊपर जाना है, मोबाइल नेटवर्क के बाद आपने एक अपने मोबाइल नंबर को सिलेक्ट करना है जो आपकी जियो सिम रहेगी, उसके ऊपर ओके करने के बाद आपका जो नेटवर्क है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, पहले अगर 4G है तो आपने 5G को सिलेक्ट करना है, और देन जैसे आप सिलेक्ट कर दो तो आपका पूरी की पूरी सिम है वो 5G के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, और देन आपका डाटा है वो 5G की स्पीड से भागने लग जाएगा, और देन इसी तरह से आप अपने सिंपल से 4G इंटरनेट की स्पीड को 5G के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए, कैसी लगी वीडियो कमेंट कर जो बताना। इसी तरह की धमाकेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को ऑन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।